हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले में मिलावटखोरों की धरपकड़ एवं त्योहारों के मौके पर आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए राज्य भर की तरह सरहदी डिपार्टमेंट में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया। त्योहारों का समय आने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इस समय मुख्यमंत्री ने इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतने व खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू हुए अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के तहत जिले में भी जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय प्रबंधन समितियां गठित की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सोमवार को बाड़मेर प्रशासन व पुलिस द्वारा शहर के कई व्यापारिक स्थानों पर सैंपल लिए। बाड़मेर उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल बिशोई जिला रसद अधिकारी अश्विन गुजर तथा पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। बाड़मेर के कृषि मंडी में लिए विभिन्न खाद्यान्नों के सैंपल लेने के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर अभियान पहले दिन चरम पर नजर आया। कई जगहों पर अभियान की शुरुआत में व्यापारियों में हड़कंप नजर आया। अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों, आटा, बेसन, खाद, तेल और घी की जांच, सूखे मेवे तथा मसालों तथा बाट एवं माप की सघन जांच करवाई जाएगी। जिले में ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के चिन्हीकरण का कार्य किया गया है जहां मिलावट की संभावना हो। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उपखंड स्तर पर संयुक्त जांच दल कार्य रहेगा। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा विकास अधिकारी के निर्देशन में काम करने वाले इस जांच दल में संबंधित क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक या निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक, विधिक माप विभाग अधिकारी तथा डेयरी का प्रतिदिन शामिल होगा। उक्त जांच दलों द्वारा खाद्य पदार्थों और सामग्री बेचने वाले संस्थानों के यहाँ निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे और फूड टेस्टिंग लैब में इन नमूनों की जांच करवाए जाने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो है, तो इसके अंदर यही देखना है हमको कि भी शुद्धता से हर व्यक्ति को हर चीज शुद्ध मिल सके, और क्योंकि हमारा इसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम जो है उसके तहत जो कार्रवाई बनती है, और इस शुद्ध के लिए युद्ध टीम जो है उसका हम एक अभिन्न हिस्सा भी है। तो विधिक माप अधिनियम जो है उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है। यहाँ पे एक तो जो पारस एंटरप्राइजेस करके दुकान है उसका जो तराजू है वो सीज कर लिया है, क्योंकि उसका तराजू जो है वो उसमें जो मार्क है वो नहीं है, लीगल मेट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी 3-4 दुकानें हैं उनके ऊपर भी हमने कंपाउंडिंग की है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।